नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भल्ला की उधारी नहीं चलेगी। भाइयों, इन्हीं हाथों से भल्ला जी को रोज समोसे पराठे जलेबी बनाकर खिलाता आया हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे पैसे नहीं मिले। मिली तो सिर्फ एक तारीख। हमारे धोबी धुलाई राम के हाथों में भल्ला जी के कपड़े धोते धोते छाले पड़ गए और उनके खाने के लाले पड़ गए, क्योंकि उनको भी मिली बस एक तारीख। दोस्तों, मिलती है तो बस एक तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। भल्ला साहब, अरे ये मिमिक्री का बच्चा मेरी तिजोरी खाली करवा के रहेगा, पैसे के पेड़ पे उगते हैं। किसके दिए हैं जो इनको मिलेंगे? भल्ला साहब, या तो आप बाहर आइए या हम A1 एजेंसी में घुस के उसे बंद कर देंगे। बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। ओए ओए, कैसे बंद कर देंगे? ये एजेंसी कोई टेप रिकॉर्डर है जो बंद कर देंगे, पंखे का बटन है जो बंद कर देंगे, और तू अपना मुंह बंद कर वरना मैं बंद कर दूंगा। भाइयो, ये भल्ला का खसम खास आदमी है, इसे पकड़ो, इसे पैसे वसूल करो। पब्लिक का ध्यान मुद्दे से हटा दो। अच्छा, तो ये भल्ला अंकल हैं। ध्यान तो आपका हटेगा अभी। ओ भल्ला अंकल, आपके 100 रुपए गिर गए। क्या? मेरे पैसे? 100 रुपए? कहाँ है मेरे 100 रुपए? लेकिन मेरे पैसे तो तिजोरी में होते हैं। भल्ला, आज तुम रहोगे या तुम्हारा उधार। ओए 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 दोस्तों, ओए भल्ला जी को कल तक का समय दे दो। वो प्रॉमिस, वो कल सबके पैसे दे देंगे। क्यों भल्ला जी? पैसा? जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी के पकड़ में नहीं आता। धरती हो, आकाश हो या फिर जल, एडवाइस बाबा के पास है हर परेशानी का हल। ऑफर चल रहा है बेटा, पहला एडवाइस फ्री फ्री फ्री। पहला एडवाइस फ्री? फ्री की चीज भल्ला कभी नहीं छोड़ता। एडवाइस बाबा, लोग मेरे पास कल उधार मांगने आने वाले हैं, जो मुझे कभी नहीं चुकाना है, मैं क्या करूं? समस्या कठिन है, लेकिन एडवाइस बाबा के पास हर सेटिंग है। बेटा, तू अपने पैसे कहीं छुपा दे, जैसे कि प्लास्टिक के सूटकेस में डाल के पानी की टंकी में छुपा दे, और फिर सबको बोल दे कि मेरे पैसे चोरी हो गए। वाह बाबा वाह, कमाल का एडवाइस है, मैं भी आया। अरे मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। देखो भाइयों, चोर मेरी तिजोरी खाली कर गया। हेलो भतीजे, भल्ला जी कह रहे हैं कि उनके यहाँ चोरी हो गई और उनका सारा पैसा लूट गया। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हाय रे हाय। भल्ला साहब, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, आपकी दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। अरे देखो भाइयों देखो, ये तो मुझ पे ही शक कर रहा है, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। चोरी हो गए? अगर आप लोगों को भरोसा नहीं तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। क्या भल्ला अंकल? क्यों नहीं, क्यों नहीं, वो कैसे? खोजी अंकल ने ये लाइट डिटेक्टर मशीन बनाई है, जिसमें झूठ फौरन पकड़ा जाता है। अभी दिखाता हूँ इसका डेमो। ओए पतीजे, ये मशीन तू कब लाया? और चाचू, मेरे पास कोई झूठ पकड़ने वाली मशीन नहीं है, ये तो बस एक नकली सेटअप है। मिमिक्री भाई, आपसे मैं जो भी सवाल पूछूं, आपको उसका झूठ जवाब देना है। देखना, ये बल्ब अपने आप जल उठेगा। तो मिमिक्री भाई, क्या आप बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं? हाँ, इस साल मैंने 3 सुपरहिट फिल्में दी हैं। देखा, आप झूठ बोलोगे तो ये बल्ब जल उठेगा। तो अब ये मशीन भल्ला अंकल को लगाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। मोबाइल गिर गया, कहाँ गया? अरे बलवान, जरा मोबाइल ढूंढने में मेरी हेल्प तो करो। ओ मैंने कहा भल्ला जी, फिक्र नॉट, हो जाएगा। बलवान,
अब तू ही बचा ले मुझे इस अग्नि परीक्षा से। अरे ये भतीजे की झूठ पकड़ने वाली मशीन मेरा झूठ पकड़ लेगी कि पैसे चोरी हो गए। ओजी पल्लाजी इसका मत बल के। धीमे बोल वरना आज तो भल्ला के कपड़े फटने हैं। अरे बलवंत ऐसा कुछ कर कि इन लोगों के सामने मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, मैं कल सबके पैसे दे दूंगा। ओके जी फिर देखो अभी बलवंत का कमाल। ओए जी बंदूकड़ी जी वो क्या बात कर रही है आप। ओ थैंक यू जी थैंक यू। ओ लो जी लोको सुनो, ओ पल्ला जी के पैसे मिल गए और कल वो खुद अपने हाथों से सबका उधार चुकाएंगे, वो भी सूद समेत। सूद समेत? सूद समेत? ओए ये हो क्या रहा है? ओ वो उन्हें पैसे मिलने की इतनी खुशी हो गई है कि वो पागल हो गए हैं। क्यों पल्ला जी देंगे ना कल पैसे? हाँ, चलो भाइयों कल हिसाब किताब करके आना, सूद समेत पैसे मिलेंगे। ओए पल्ला जी वो तो आपको बचाने के लिए ही मैंने सूद समेत बोल दिया। भल्ला अंकल पैसे आपने कहाँ छुपाए हैं? तुम्हें कैसे पता चला? ओ मेरा पति जय जी, चोर की चोरी और झूठे की कमजोरी पल में भांप लेता है। मेरे पैसे? नहीं मेरे पैसे चोरी हो गए। जी पल्ला जी सब चले गए हैं, अब फिर से नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नाटक नहीं, सच में मेरे पैसों का सूटकेस गायब है। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। अंकल आपने किसी को बताया था इस टंकी के आइडिया के बारे में? अरे ये तो मुझे एडवाइस बाबा ने आइडिया दिया था। एडवाइस बाबा? यानी बैग के बारे में आपके और एडवाइस बाबा के अलावा किसी को नहीं पता। मुझे शक है कि चोरी और एडवाइस बाबा में जरूर कोई कनेक्शन है। आइडिया। भल्ला जी की याददाश्त चली गई है, उनके पिताजी की आखिरी निशानी ये नीले रंग का बैग कहीं गुम हो गया है। उस बैग में क्या सामान था वो भी भल्ला को याद नहीं है, लेकिन अगर कोई वो बैग ढूंढ के देगा उसे इनाम में 5,00,000 रुपए मिलेंगे। जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी के पकड़ में नहीं आता, अब तो 5,00,000 भी मेरे होंगे। बेचारा भल्ला। ओ पाई साहब कहाँ से मिला आपको ये बैग? भतीजे ये तो एडवाइस बाबा नहीं लग रहा है। इसे जरूर पता होगा कि चोर कहाँ है। कहाँ है वो चोर बताओ? भल्ला अंकल ये कह तो रहे हैं कि उन्हें बैग कचरे के डिब्बे के पास मिला, इन्हें क्या मालूम अंदर क्या है? माफ कीजिए उनकी याददाश्त चली गई है। भल्ला अंकल इन्हें तो इनाम के 5,00,000 मिलने चाहिए। भतीजे ये तो हमें ही चकमा देके निकल गया, अब एडवाइस बाबा के पास कैसे पहुँचेंगे? भल्ला अंकल टेंशन मत लीजिए, पैसों के बैग में जीपीएस ट्रैकर है, यानी हमें बैग की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। चलो उस डायरेक्शन में। क्या उस डायरेक्शन में? लेकिन चोर तो इस तरफ भागा था। भल्ला अंकल आपके एडवाइस बाबा तो बहुत चालाक दिखाई देते हैं। चलो जल्दी। ओए भतीजे बैग तो खाली है। ओए मैं बर्बाद हो गया, मेरे 5,00,000 भी गए। भतीजे मुझे मालूम था कि तू चालाकी करेगा, इसीलिए मैंने पैसे निकाल लिए और बैग वहीं छोड़ दिया।
चालाक चोर, चालाक चोर, चालाक चोर से चालाकी महंगी पड़ेगी। भल्ला अंकल चिंता मत कीजिए, चोर अभी रोते हुए हमारे सामने आएगा। अरे अरे मुझे क्या हुआ, मुझे रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि नोटों पे खोजी अंकल का रोथड़ू गैस मैंने स्प्रे किया था, पूरे काम का पूरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।